नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि नरमे के भाव को लेकर है, क्योंकि इस बार किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। दरअसल अब किसानों को अगली उम्मीद इस नए वर्ष पर है, वो है नरमे के रेट में 10,000 के पार हो जाने की। हालांकि आज हरियाणा की आखिरी मंडी मंडी डवाली में भी नरमे का जो भाव है वो 9400 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहा है, और इसके अलावा आसपास की राजस्थान की मंडियों में भी नरमे के जो 9600 से लेकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने की जो खबर आ रही है। मगर सफ़ेद सोने की इस बार इस पूरे अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रेट किसानों को मिल रहा है, लेकिन इसमें कई तरीके की भ्रांतियां भी सामने आ रही है। आखिर नरमे के इस हाई यानी कि इस उछाल आने का सबसे बड़ा जो एक सूत्र क्या है, किस वजह से ये बात निकलकर सामने आती है कि आज नरमे का भाव सबसे ज्यादा रहा, आखिर क्या किसान को पूरा भाव मिल रहा है या फिर एक तरीके से इस मार्केट में उछाल बनाने की एक तरीके से एक साजिश की जाती है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये डबवाली की अनाज मंडी, जहां पर इस बार नरमे की जैसे ही रेट में उछाल आया तो उसके बाद आवक शुरू हो गई है, और नरमे के भाव में जबरदस्त तेजी जो पिछले एक सप्ताह से लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप देखेंगे तो नरमे के भाव में स्थिरता ही देखने को मिली है। यानी किसान कहता है कि उसने अब तक सबसे हाईएस्ट रेंज पर जो नरमे को रेंज पर बेचा तो वो 7,000 प्रति क्विंटल के आसपास रहा, और इसके अलावा नरमे का भाव हमेशा 4500 से लेकर 5500 या 6000 के आसपास रहता है, मगर इस बार जो नरमे का भाव है वो 9600 रुपये प्रति क्विंटल के पार चला गया है। लगातार पिछले एक सप्ताह से नरमे के रेट में उछाल जो सामने नज़र आ रहा है। राजस्थान प्रदेश के गंगानगर जिले में भी इस बार जो मंडी में काफ़ी बड़े स्तर पर आवक हुई है, और पिछले एक सप्ताह का अगर आप देखेंगे तो 9600 रुपये के आसपास प्रति क्विंटल जो नरमा है वो पहुंच गया है। इसके अलावा आपको हम अगर हरियाणा की मंडियों का भाव बताएं तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आदमपुर, फतेहाबाद और कालावाली, भट्टू और सिरसा, एलनाबाद, डवाली अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी पिछले एक सप्ताह में 8900 से लेकर 9000 और 9200 और 9400 के आसपास का रेट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो नरमे की ढेरी सबसे छोटी होती है, यानी कि जिसमें सिर्फ 2-3-4-5 क्विंटल तक नरमा होता है, उसका रेट व्यापारियों की ओर से ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन जो किसान सबसे बड़ी ढेरी लेकर आता है उसका रेट है वो बहुत कम रहता है, वो मुश्किल से 9000 के आसपास ही नरमा बिक पाता है। ये किसान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लेकिन सबसे बड़ा सूत्र भी यही है कि इस मार्केट में उछाल लाने के लिए एक चर्चा का विषय बनाने के लिए खुद व्यापारियों की तरफ से इस तरीके की चाल चली जाती है, लेकिन जो किसान पूरा अपना नरमा एक साथ बड़ी ढेरी के तौर पर लेकर आता है उसे उतना भाव नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि क्या व्यापारी उस बड़ी ढेरी को लेकर अनुमान नहीं लगा पाते हैं, क्या उसकी सैम्पलिंग टेक्निक इतनी कामयाब नहीं है कि वो इतना नहीं तय कर पाते कि क्या नरमा जो दिख रहा है उतना ही सही होगा पूरी ढेरी के अंदर। लेकिन किसान ये कहता है कि उनको फ़र्क नज़र आता है, जिसकी वजह से छोटी ढेरी का रेट ज़्यादा दिया जाता है और जो बड़ी ढेरी होती है उसका रेट है वो कम पड़ता है। मगर पिछले कई सालों से इस बार 10,000 नरमा होने की संभावना है वो प्रबल इस बार नज़र आ रही है, और पिछले 2 महीनों से लगातार नरमा की कीमतों में जरा जो जारी उठा पटक है वो लगातार अब बनी हुई है, और अब कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों को इस बार पूरी उम्मीद थी कि दीपावली या फिर नए साल और जनवरी के पहले या दूसरे वीक में नरमा 10,000 के आसपास पहुंच सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। हाई सर, की नाम है, केड़ा पिंड है? नाम लखा सिंह है, ये पिंड छाव तो केड़ा। सर की लगता है नरमे का रेट कितना मिला थोड़ा आज, की प्रोडक्शन सोचते हो उन्होंने टेंथ बढ़ सकता है? आखी कहते भी लोग भी नरमा 10,000 तो पार हुआ, 2-4 दिन 9,000 लग गया कल। 9,000 बिके? हाँ, 9,000 रुपये बिके। कोई ढेरियाँ छोटियाँ ढेरियाँ 2 क्विंटल दिए, कोई 3 क्विंटल दिए, वो रेट बद भी जाता, कोई 9400-9900 बिक जाती। बड़िया ढेरियाँ तो तकरीबन 9,000-8,800 इतने जी बिकदी। मतलब जी वी ढेरी है रेट ज़्यादा देते? नहीं, छोटी का, सॉरी छोटी छोटी ढेरी का रेट ज़्यादा होंगे, वीड्डी का घट। हाँ, वीड्डी का कोई 100-200 घट होंगे। नरमे का रेट कागजां च ही वधूगा जी, होर तो छोटी ढेरी का रेट लाउंदे आ, वड्डी दा तां लाउंदे ही नहीं। आ हुण पूरा चंगा नरमा सी 9,000 रुपया लगे, ते कल रेट ऊं जिवें 9500-9400 रुपया विकया नरमा।
बाकी रह करके खरीद दे है, बोली तो सही लाउंदे ही नहीं। की लगदा सर इतकी नरमा बहुत कट होया है, कोई भरपाई हो जूगी किसान दी? पूरी किसान दी भरपाई तो मुश्किल है, जे तो कोई मुआवजा मुआवजा आउंदा फिर तो हो जूगी। ऊं तक बस मान लो भी ठीक ही है कम। 40-40 रुपए ठेका भरया लोकां ने, ये गल थोड़ी जमा सही है। मेरा नाम है जी हरगोबिंद सिंह। दो चार दिन का नरमा वध रहा है, वधी जांदा जी लगातार 10,000 तक जाण दी संभावना हैगी है। इन्ना पा तुसी कदे थोड़ी उम्र च देखिया है? नहीं जी, मसा 5,000 4,000 च बेच के गए हैं, पहला पा पहली बार देखिया जी। हाँ जी, ते उम्मीद है कि 10,000 होना चाहिए। 10,000 हो जूगा जी, हुण उम्मीद की। किन्ना नरमा सी थोड़े इत्थे? साडे कोल नरमा सीगा जी 5-4 किलो सी, छोटा जमींदार है, उस दे विच 5-4 किलो दे विच नरमा आ रहा है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। थोड़ा की नाम है जी? अपने दे कोई इकट्ठे है। लगदा कि नरमे रेट होर वधन की चांस तां हैगा जी? चांस है वधन। हाँ जी, जिम्मे रेट बढ़ी जाता रोज, कित बढ़ गया कित घट गया। ना जी पहला दाई नहीं थी। तक मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, मैं नरमे में पहले नरमे और कॉटन को मिलक्स की हर चीज़ में पहले दिन से काफ़ी तेजी में था। जब नरमा 6,500 बिक रहा था तब भी मैंने मेरे अधिकतर मित्रों को किसान साथियों को ये कहा था कि आप इसको होल्ड पर रखें, नरमा 10-11 महीने में जाके आपको एक नया भाव दिखा सकता है। पर जो अब रंगत आ रही है, ये तो मेरी सोच से भी ऊपर का मामला हो रहा है। 10-11 हज़ार की आवाज़ आ रही है, 10-11 हज़ार नरमा हो जाएगा और मुझे लगता है ये हो भी जाएगा। इसके होने की ठोस वजह है पन्नू जी, रूई की पाइपलाइन जो लास्ट ईयर CCA के पास माल था, इस बार बिल्कुल खाली है। लगभग जब सीज़न स्टार्ट हुआ तो CCA का अधिकतर माल निकल चुका था, एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त डिमांड थी। कोविड के बाद रिकवरी सेशन चल रहा था, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डिमांड ज़बरदस्त थी। चाइना की जो फसल थी वो पिट चुकी थी बाढ़ की वजह से, US में जो था डाउनफॉल था टेक्सास एरिया में सूखे की वजह से, और सबसे बड़ी वजह बन गई कि रुई, इंडियन रुई सबसे सस्ती रुई थी वर्ल्ड वाइड, तो इसकी ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिली। अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक खूब माल एक्सपोर्ट हुआ, और उसके ऊपर तेजी का एक मतलब नई वजह बन गई। जो फसल की जो आकलन लगा रहे थे, जो पिछले साल 3,53,00,000 के आसपास हो रही थी गांठ, और CAI का कॉटन एडवाइजरी जो काउंसिल है इंडिया की, उसका आकलन था इस बार 3,60,00,000 गांठ बैठेगी। अब वो आवक के आंकड़े देखते हुए ये लग रहा है कि 3 करोड़ के आसपास बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जहाँ तक फसल शॉर्ट आने का है सवाल, तो पहले तो मौसम एक कारण बन गया, उसके बाद अंत में जाके गुलाबी सुंडी पड़ गई, पैराविल्ड का रोग पड़ गया। तो अगर आप फील्ड में जाके सर्वे करोगे तो जिस किसान के पिछली बार 10 क्विंटल की एवरेज थी, इस बार मुझे नहीं लगता वो 6 क्विंटल से ऊपर निकला होगा। 5-6 हाँ, तो 40% यील्ड की डाउनफॉल आ गई। दूसरा वजह बन गई पाइपलाइन खाली है, और मुझे लगता है तेजी अभी जारी रहेगी। ये 10,000-11,000 हो सकता है 11,500 भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉटन कम्प्लेक्स की किसी भी चीज़ में मंदा खेलने वाला काम नहीं है, चाहे वो रुई है, चाहे वो खली है, चाहे वो बिनौला है। आपको लगता है सर कि अगले जो 2 सप्ताह है वो तेजी भरे रहने वाले? बिल्कुल सर, मेरा ये मानना है कि जो 95-96 डेयरियाँ आपने बिकी है, ये आगे चल के 10,500-11,000 के कर दिखा सकती है आने वाले 2 से 3 सप्ताह के अंदर। ताकि मतलब किसान उस मंडी की तरफ आकर्षित होकर अपनी फसल उसी मंडी में लेकर के आए, बड़ी बात नहीं। एक रूटीन पैदा करना है किसान, बिल्कुल ये आकर्षण पैदा करने के लिए, क्योंकि अगर आम नरमा 92-93 से बिक रहा है तो एक डेयरी 95 से बिका देंगे, ताकि बाहर ये आवाज आए कि डब वाली में 95 से बिक रहा है, और किसान आकर्षित हो डब वाली मंडी में फसल लेके आए। देखिए जिसको जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, मेरा मानना है 2-3 सप्ताह तो उसको लाजमी देखना चाहिए।